हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल काशी में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, फेस कैम नहीं लग पाया उसके लिए सॉरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मैरी क्रिसमस की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो फ़ोटो है ना, इस फ़ोटो को मैं आपको बहुत सिंपल और आसान तरीका बताऊँगा कि इस फ़ोटो को कैसे एडिट करना है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड और पीएनजी मैंने यूज किया है सबका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और मैं ले चलता हूँ सीधे पिक्सआर्ट में। यहाँ पे इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट में, उसके बाद आपको चले जाना है ऐड फोटो में। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर मैं ये वाली पीएनजी लूँगा, ये पोल लैम्प वाली, ठीक है। तो मैं इसको ले लिया और इसको मैं यहाँ पर साइड में करूँगा बड़ा करके। और ये हमारे बैकग्राउंड से थोड़ा अलग है, इसको मैच करने के लिए चलेंगे एडजस्ट में। यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से चलेंगे एडजस्ट में और जो इसका सेचुरेशन है इसको माइनस कर देंगे। माइनस कितना करना है, -50% के आसपास, ठीक है। ये हमारी फ़ोटो से बैकग्राउंड मैच हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इरेज पे क्लिक करना है, सॉरी। और यहाँ पे हार्डनेस को कम, ओपेसिटी कम और साइज़ को बढ़ा के यहाँ पर हल्का हल्का इरेज कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का इरेज कर देता हूँ ताकि देखने में रियल वाला लुक आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे। पहले ओपेसिटी कम कर देंगे, -10 करेंगे, यानी कि 90% तक इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे। और दूसरा वाला जो वाला है ना पीएनजी, इसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लेफ्ट साइड रख लिया और इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको लेफ्ट साइड रख के छोड़ देना है और डन कर देना है। हमारा बैकग्राउंड बन चुका है और फिर चलेंगे हम यहाँ से ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद हम अपने मॉडल को लेंगे। तो सिंपली मैं इस मॉडल को ले लिया और इसका बैकग्राउंड मैं पहले से इरेज कर लिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो बहुत मिल जाएंगे यार, देख लेना और सीख जाना, ठीक है। तो मैं इस फ़ोटो को अच्छी तरीके से सेट कर देता हूँ और इसमें करना क्या है ये ध्यान से देखिएगा। तो गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो प्लीज़ यार कर क्या रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। बस एक ही लाइक करना है यार, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिंपली बस क्लिक करना है, लाइक कर दो यार, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके हार्डनेस को, ओपेसिटी को कम करके ना शू के पास से ऐसे हल्का हल्का ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ किनारे किनारे पर आपका पैर या फिर शू टच हो रहा है ना, वहाँ पर ऐसे हल्का सा इरेज कर दीजिए किनारे पर। मैं हल्का सा इरेज कर देता हूँ ताकि हमारी जो फ़ोटो है ना ये बैकग्राउंड से मैच हो जाए। यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुआ, मैं इसको कवर कर लेता हूँ, ये हो चुका। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है करना क्या है। यहाँ पे इसको हम यहाँ से शू पे थोड़ा हल्का और मार लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से डन करेंगे, मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ से सेव करके और चले जाना है फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये गिफ्ट वाला बॉक्स मिल जाएगा, जो भी बोल लो आप इसको। और इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे साइड में रखेंगे कॉर्नर पे। आप दूसरी साइड भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं इसको राइट साइड रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी हल्की कम कर देंगे, -80 कर देंगे, ठीक है। मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया, उसके बाद इसको डन कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको डन कर देना है। तो गाइस, अब हम चलते हैं फिर से ऐड फोटो में। और इस बार हमें क्या लेना है ध्यान से देखिएगा, इस बार ही लेंगे हम, ऐड फोटो में चलेंगे पहले, और इस बार ही लेंगे मैरी क्रिसमस की टेक्स्ट पीएनजी। तो गाइस, ये जो टेक्स्ट पीएनजी मैंने पिछली वीडियो में यूज़ किया था, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, इरेज पर क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और ये जो पत्ता है ना हरा वाला, ग्रीन वाला, इसको हम रिमूव कर देंगे ताकि कुछ अलग लगे। तो मैं इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे इसको डन कर देना है। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना दिया है मैरी क्रिसमस के ऊपर, उसको नहीं देखा आपने तो देख लेना यार। और इसको हम यहाँ पे डन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो ऑलरेडी डन हो चुकी है। इसमें आपको मैं ले चलता हूँ ब्रशेस में और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसके साइज़ को मेनटेन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका नेट कंपल्सरी ऑन होना चाहिए, तभी ये इफेक्ट काम करेगा आपकी फ़ोटो में। तो बस अपनी फ़ोटो पे जहाँ जहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना, वहाँ पे ऐसे
बनता जाएगा, देख सकते हैं मैं इसको हल्का हल्का ड्रॉ कर रहा हूँ। साइज़ को मेंटेन कर लीजिएगा, बढ़ा के भी कम करके भी ऐसा हल्का हल्का अपनी पूरी फ़ोटो पे मार दीजिए, इससे और भी आपकी फ़ोटो रियल वाला लुक आएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सारे में मार लिया और इसको कुछ नहीं करना, इसको डन कर देना है। तो देख सकते हैं कि मैं इसको पूरी फ़ोटो में मार लिया और इसको डन कर देना है। यहाँ पर हमारी फ़ोटो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। ड्रॉ टूल में चलेंगे और इस फोटो को थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे और ओपन करेंगे इसी फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो मैं ऐड पे करके इस फोटो को ओपन कर लिया, ठीक है, और ऑल में जाके इस फोटो को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, बहुत कम टाइम लगेगा। सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पर चलते हैं, यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पर चलेंगे और क्या करना है, यहाँ पर बहुत सिंपल, यहाँ पर तीन या चार ऑप्शन छेड़ना है। सबसे पहले हाईलाइट बढ़ाएंगे, शेडो को माइनस करेंगे, वाइट्स को बढ़ाएंगे, ब्लैक्स को माइनस करेंगे, बस इतना काम था। और लाइट से बाहर आ जाएंगे, चलेंगे यहाँ पे कलर वाले पे और टेम्परेचर को -20 करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और फोटो को भी देखते रहिएगा कैसे कलर ग्रेडिंग हो रहा है। वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे +10, मिक्स टूल में चलेंगे, पहले वाले कलर का ह्यू को माइनस, लूम सेचुरेशन को प्लस, सॉरी दूसरे वाले कलर का सेचुरेशन को माइनस, ल्यूमिनस को प्लस। उसके बाद ग्रीन कलर पे चलेंगे, ह्यू को माइनस, सेचुरेशन को हल्का प्लस। फिर चलेंगे ब्लू कलर में, ह्यू को हल्का सा माइनस, देख सकते हैं फोटो को भी देखते रहेगा, और सेचुरेशन को प्लस, और डन करेंगे यहाँ से। और फिर चलेंगे यहाँ पे नीचे वाले टूल पे और यहाँ पे वीगनेट को माइनस करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ध्यान से देखिएगा -15 के आसपास, ठीक है। और ऊपर करेंगे यहाँ पे हाईलाइट थोड़ी सी मारेंगे, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट टूल में जाके शार्पनिंग बढ़ाएंगे हल्की सी 20 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे नॉइस बढ़ाएंगे यहाँ पे, उसके बाद कलर नॉइस बढ़ाएंगे, बस इतना ही काम रह गया था। और इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी पहले फोटो पिक्सआर्ट में कैसी थी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए बिल्कुल फीकी सी लग रही थी यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। और हमने लाइटों में कलर ग्रेडिंग करने के बाद बहुत ही अमेजिंग बना दिया इसको। तो भाई आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बस पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।